बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के तहत आज 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले फेज में 2 करोड़ से अधिक मतदाता 1066 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। चुनाव के पहले चरण में राज्य सरकार के 8 मंत्रियों की परीक्षा है। इनमें कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा समेत शैलेश कुमार, जय कुमार सिंह, संतोष कुमार निराला, राम नारायण मंडल, विजय कुमार सिन्हा और ब्रजकिशोर बेंद इन पर सबकी नजरें हैं। पहले चरण में जिनके भाग्य का फैसला होना है उनमें राजद के 42 तो जेडीयू के 35 उम्मीदवार हैं। वहीं कोविड-19 के बीच हो रहे चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सुरक्षित मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत एक मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 1600 से घटाकर अब 1000 कर दी गई है। हमारे सहयोगी ऋषिकेश इस वक्त मौजूद है पटना में और कई जगहों पर वहां पर चुनाव हो रहे हैं। सीधे ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, आप इस वक्त किस बूथ पर हैं और कैसी तस्वीरें हैं चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर उत्साह है लोगों में? देखिए, एक तस्वीर है आसिया, मैं सीधे दिखा रहा हूँ, वोटर है, ग्रामीण इलाका है विक्रम विधानसभा का और वो अपने मतदान का प्रयोग करके वो निकले हैं और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है विकास बनाम बदलाव की है। एक तस्वीर देखिए मेरे पीछे, वहाँ लंबी कतारें, तकरीबन 4 बूथ है, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग एक लंबे कतार में हैं, लंबे लाइन लगे हुए हैं। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है वोटिंग जब शुरू हुए उसके बाद, और लगातार ग्रामीण इलाकों में अच्छे रुझान है वोटिंग का, परसेंटेज खास करके जिस तरीके के चीजों को पैनेडेमिक में कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से लोग घर से नहीं निकलेंगे, एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वो सब चीजें कम से कम टूटती नजर आ रही है। वोटरों का खासा उत्साह हमारे साथ हैं करमवीर, जो स्थानीय निवासी हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? अभी जो 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव है, वोटरों में उत्साह दे के लग रहा है कि वोटर उत्साहित तभी होते हैं जब बदलाव का मूड हो। पूरे बिहार स्तर पर बदलाव का माहौल है, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आश्वासन थे वो 15 साल और 6 साल में झूठे साबित हुए हैं। 2 करोड़ नौकरी हो या किसी भी मामले पर, किसी फ्रंट पर, आपकी पार्टी ने विरोध किया, कहा कि कोरोना के इस दौर में चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो वो आपका दावा फेल हो रहा है, देखिए कितने सारे भीड़ है। पार्टी ने पहला प्राथमिकता दिया था कि कोरोना पीरियड में चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया और सत्ताधारी दलों ने निर्णय लिया, उनका था कि चुनाव हम हर हाल में अपने समय पर कराएंगे, तो अब पार्टी का प्राथमिकता है कि जनता को जो सुविधाओं से मरहूम किया जा रहा है इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा, चाहे वो रोजगार का सेक्टर हो या प्रति व्यक्ति आय में बिहार पूरे विश्व, पूरे देश में सबसे पीछे है, तो आज बिहार को विकास के बहाव में आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया गया है और जनता का जो उत्साह दिख रहा है हर बूथ पर, यह बता रहा है कि पूरे बिहार बदलाव की ओर है, 2/3 से अधिक बहुमत से महागठबंधन। ये सवाल हमने पूछ रहे हैं, वोट कर दिए बाबा जी, अपना वोट दिखाएंगे वहाँ कैमरे, अपना उंगली, ये देखिए कि आसिया बुजुर्ग है, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए इस बार खासा व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। हम इनसे पूछ रहे हैं किस तरीके का, आप लोगों के वक्त में तो ये पहला ऐसा कोरोना जैसी महामारी आई थी, पहली बार आई, कैसा बदलाव देख रहे हैं, चुनाव भी पहला इस वोट कर रहे होंगे इस तरीके में? बदलाव तो बहुत है, आप सरकार की तरफ से बहुत सुरक्षा है और बहुत सारी सुविधाएं भी हैं और कोरोना लोग लगाए हुए है, माने मास्क लोग लगाए हुए है, उसके साथ साथ हर आदमी सुरक्षित है, सैनिटाइज क्या इसको बोलता है, हाँ सैनिटाइजर हो रहा है, सब सारी सुविधाएं हैं और हाँ उसके बाद विकास विकास के लिए वोटिंग हो रही है या बदलाव के लिए? अब हम तो विकास के लिए दिए हैं सर। तो देखिए कि एक तस्वीर ऐसी वहाँ पे है, ग्रामीण इलाके में बहुत सारी महिलाएं हैं और ये देखिए कि लंबी कतार, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है तो इस वजह से थोड़ी दूरी पर भी आप लोग रहिए भैया, तो ये देखिए कि वोट देने आए हैं जी। किस तरीके का व्यवस्था है? ठीक है, नाइस। कैसा व्यवस्था है? ठीक है, वोट कैसा व्यवस्था है? ठीक है। तो अपना तस्वीर उधर दिखाइएगा, अपना ये वोटर आई कार्ड ऐसे करके, ये हाँ ये उधर, वहाँ वहाँ सामने देखिए कैमरा उधर है। तो आसिया देखिए कि ये कतारें हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं,
बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में है। सैनिटाइजर क्या होता है, मास्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अवेयरनेस की हालांकि जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहा जा रहा था, लेकिन देखिए कि लंबी कतार है यहाँ पे, जितना भी लंबा दूर। कैसी व्यवस्था है भैया कोरोना में? ठीक है सर, ठीक है सर। क्या लग रहा है सरकार को लेकर के कैसा व्यवस्था था कोरोना के दौर में? ठीक है, ठीक है। कैसा व्यवस्था था यहाँ कोरोना के दौर में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोरोना को लेकर क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। विकास के लिए है कि बदलाव के लिए? ठीक है, विकास, ठीक तो देखिए कि लंबी कतारें आसिया और सबकी अपनी अपनी कोशिशें, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया था बूथ पर, कुछ चुनाव ने मानदंड तय किए थे, लेकिन उन मानदंडों को पूरा कोशिश की जा रही है करने को लेकर के। लेकिन जो हैरानी की बात यह है कि जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव नहीं कराए जाने की वकालत की थी, वो कम से कम अब फेल होता दिख रहा है। चुनाव की जो कार्य, जो फैसला है, उसको मतदाता सही करने की कोशिश कर रहे हैं और मतदाताओं का जो रुझान है वो ज्यादा दिख रहा है। लोगों को लग रहा था कि वोटिंग का परसेंटेज बेहद कम होगा, खराब स्थिति होगी, लेकिन ऐसा ग्राउंड पर कम से कम देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना के इस दौर में दुनिया का एक पहला और ऐतिहासिक चुनाव कराए जाने का दावा और वादा किया गया था, जिसकी शुरुआत है पहले चरण का 71 सीटों पर लड़ाई महागठबंधन बनाम एनडीए में है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में ऐसे 6 सीएम के उम्मीदवार है, अलग अलग पार्टियों की तरफ से, अलग अलग गठबंधन की तरफ से, लेकिन मुकाबला एनडीए बनाम यूपीए का है, महागठबंधन का है, और 10 नवंबर को ये तय होगा कि बिहार में बदलाव की बयार है या फिर 15 सालों का जो विकास का दावा किया जा रहा है उस पर जनता मुहर लगाएगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें वाकई बेहद अच्छी हैं, लोकतंत्र के लिए सुकून देने वाली ये तस्वीर है ऋषिकेश। लेकिन चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो कराना चाहिए ताकि लोग कहीं से संक्रमित ना हो पाए। ये बड़ी मुश्किल हो सकती है ऐसे भीड़ लगने से। हालांकि तैयारियां हैं, कोशिश की जा रही है कि लोग दूरी बनाकर रखें, लेकिन मतदाताओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। आमतौर पर बदलाव अच्छे संकेत देते हैं इस तरह कि जो भीड़ होती है बूथों पर। ऋषिकेश, ये जो भीड़ है ये क्या संकेत दे रही है? संकेत तो ये है लोकतंत्र के लिए कि वोट ऑफ परसेंटेज का बढ़ना किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद अच्छा संकेत माना जाता है, बेहतर संकेत माना जाता है, और उसकी वानगी दिख रही है कुछ शहरी इलाकों में भी, ग्रामीण इलाकों में भी। तो दूसरी जो सबसे अहम बात है कि जो अक्सर बिहार के विधानसभा चुनाव में यहाँ मुद्दे जो होते थे, पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दे, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर होते थे, जात पात को लेकर होते थे, लेकिन इस बार जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, खास करके आरजेडी और उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि ये जो चुनाव है वो मुद्दा बेरोजगारी पर लड़ा जाए, रोजगार पर लड़ा जाए, नौकरी सृजन को लेकर हो, किसान के लिए है, कर्ज माफी को लेकर हो, बेहतर व्यवस्था और बेहतर बदलाव के लिए है। तो ये एक बड़ी बात है, नहीं तो बिहार के चुनाव में आपको याद होगा रोजगार का उठा ऋषिकेश, ये काफी सुकून देने वाला। आमतौर पर ये मुद्दा उठ ही नहीं पाता है चुनावों में, कई मुद्दे उठ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन रोजगार कहीं ना कहीं गौण हो जाता है। लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियों ने रोजगार को मुद्दा बनाया, ये एक अच्छी बात है। जी देखिए, बिल्कुल आसिया, जब पहला घोषणा पत्र जारी हुआ तेजस्वी यादव की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, तो कहा गया कि पहले ही दिन 10 लाख नौकरी देंगे, जिसके बाद काफी आलोचनाएं हुई। बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर के सीएम तक जितने भी लोग थे, सब लोगों ने कोशिश की कि आने वाले वक्त में ये कहाँ से पैसा लाएंगे, 10 लाख नौकरी देने की बात तो दूर की बात है, 58,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। लेकिन बाद में फिर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो 19 लाख रोजगार देने की बात आई। ये भी कहा गया कि कोरोना का मुफ्त वैक्सीन देंगे। आपने वोट कर दिया? दिखाएंगे वहाँ अपने तस्वीर को। इस बार सरकार ने कहा है कि कोरोना का मुफ्त वैक्सीन देंगे अपने मतदाताओं को। कोरोना के काल में क्या लग रहा है आपको, क्या वैक्सीन को लेकर के या व्यवस्था को लेकर? ना समझ में आ रही था। कोरोना में सरकार ने कैसा काम किया है? बढ़िया बढ़िया। तो आसिया देखिए,
अभी लोगों की को अपने समझ को लेकर के इसकी सरकार की क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेवारी है, किस तरीके से काम करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको अभी और अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन घोषणा पत्रों में ऐसा पहली बार हुआ कि नौकरियों को लेकर के चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों आमने सामने हैं और उसी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए जब भी ये बात हो रही है तो नौकरी की हो रही है, भले ही सवाल है कि कहाँ से पैसा आएगा, सरकार की व्यवस्थाएं कैसी होगी। इसीलिए देखिए कि घोषणा अब जब 24 घंटे पहले तेजस्वी यादव ने रोजगार संबंधी अपने युवाओं से बात की, तो थोड़ी देर पहले आज प्रधानमंत्री की 3 रैली ऐसी है और उन रैलियों के जरिए ये कोशिश है कि आने वाले वक्त में कैसे वोटरों को अपनी तरफ खींचा जाए। राहुल गांधी भी यहाँ है तो भैया यही हम लोग पूछ रहे थे कि कोरोना में जो यहाँ घोषणा पत्र कहा गया, खास करके चुनाव में, कि हम रोजगार देंगे, किसी ने कहा कि रोजगार देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कोरोना में मुफ्त वैक्सीन कैसे दे रहे हैं, हमको डिलीट करवाना जी, आप इस इंटरव्यू नहीं ले सकते, छोड़िए बताइए ना क्या, नहीं फिर आप गलत मत बोलिए, आप बोलिए ना, आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप अंदर बाहर लीजिए ना, आप बाहर कैसे ले, बाहर में लीजिए, आप बार बार शुरू से डिस्टर्ब कर रहे हैं, जवाब दीजिए ना, आप हम जवाब दे दिए क्यों नहीं ऊपर से। अरे भैया इलेक्शन कमीशन जो हमको दिया है तो फिर क्या है इसमें, इंटरव्यू का क्या है ये, नहीं वो ठीक है, हम आपको भैया देखिए गलत बात आप मत करिए सर, आप मैं बिल्कुल नहीं, बाहर ले लीजिए, कैसे बाहर ले बताइए, सही लिखे से बता रहे, बाहर ले लीजिए आप, हमको नहीं ये गलत बात है, आप लोग ये सिक्योरिटी को लेकर, नहीं नहीं गलत, हमको भी नहीं पता है सर, आप बताइए ना सर, बताइए ना, हम लोग बता दें, हम मीडिया को नहीं, बाहर ले लीजिए इंटरव्यू प्लीज, आप गलत बात कर रहे हैं, नेता जी बाहर ले लीजिए। ऋषिकेश आपने तो दूरी बनाई हुई है, जहां बूथ है वहां से आप काफी दूर है, फिर क्या दिक्कत हो रही है सुरक्षा कर्मियों को? नहीं देखिए दिक्कतें ये है कि सुरक्षा कर्मियों को लगता है कि हम लोग अपने तरीके से उनके रूल को तोड़ते हैं, लेकिन हम लोग बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनके मजिस्ट्रेट, चूंकि सिक्योरिटी की व्यवस्था काफी कड़ी है इस बार के दौर में आसिया, और ये उनका रूटीन वर्क है तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और एक अच्छी बात है कि कोरोना के इस दौर में जब सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को अपने ड्यूटी के हिसाब से काम करने दें। लेकिन कभी कभी इस तरीके की दिक्कतें आती है कि जब उनको ये पता नहीं होता है कि कोई इंटरव्यू करना है या कोई एग्जिट पोल दिखाना है, तो ये उनकी अपनी ड्यूटी का पार्ट है, तो हम लोग उसको उस तरीके से लेते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है, हाँ बताइए क्या बोला था, क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ यही कि रोजगार और बेरोजगारी को लेकर के किस तरीके से देखते हैं चुनाव से? हाँ मेन तो इस चुनाव में रोजगार ही है, क्योंकि रोजगार बहुत दिनों से मिला नहीं है तो जनता आक्रोशित है, हम लोग को भी रोजगार के प्रति बहुत झुकाव है, क्योंकि बिना रोजगार के तो कोई काम होगा नहीं, और अभी के माहौल में सब्जी मेन मूलभूत आवश्यकता है जिसका भाव आसमान छुए है, तो साधारण आदमी सरकार के माने 2000-3000